खबर डोंडी से, जहां महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए गए कुएं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के माध्यम से कुआ गोंदी गांव में किसान के खेत में लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से कुएं का निर्माण कराया गया, लेकिन काम इतना गुणवत्ताहीन था कि एक हफ्ते के अंदर ही कुआ धसक गया। और अब इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई हो सकेगी। मूल्यांकन सत्यापन ही नहीं हुआ है तो उसमें पेमेंट कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब क्रैक है, टूटा है, उसको सुधारने का निर्देश दे देंगे, निर्देश हो जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद अच्छे क्वालिटी में ही बनेगा, मूल्यांकन सत्यापन होगा, उसके बाद भुगतान करते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही हुई, जांच पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा श्रोता लक्ष्मीकांत फोन लाइन पर जुड़ गए। लक्ष्मीकांत, कुएं की जो गुणवत्ता है वो खराब, जो निर्माण काम किया गया है कुएं के आसपास वो बहुत खराब ढंग से किया गया है, ऐसे में जिम्मेदारों का क्या कहना नजर आया? जी बताना चाहूंगा, ये लौंडी ब्लॉक के कुआबोंदी गांव में मनरेगा के तहत कुआं निर्माण कराया गया है, जो हितग्राही को सिंचाई के लिए लाभ देने के लिए कुआं निर्माण किया जा रहा है। बावजूद इतना गुणवत्ता विहीन ये कुआं निर्माण हुआ है कि चलिए वापस आ रही हूँ मैं आपके पास, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पे दूसरी तरफ के नायक जी फोन लाइन पे जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका, जो कि मनरेगा से अधिकारी हैं। के नायक जी, क्या कहेंगे इस बात पर जो कुआं बनाया गया है, बहुत गुणवत्ता विहीन इसमें चीजें इस्तेमाल की गई हैं, कुछ वक्त में ही ये टूट कर बिखर गया है? कुआं बना है जी, कुआं का जो बंद रहता है, कुआं कंप्लीट बनने के बाद कुआं कंप्लीट बन जाता है, उसमें पत्थर से जो जोड़ाई का काम होता है, उसके बाद ऊपर में एक जगत निर्माण का कार्य होता है ना, जिसको अपन मतलब वो मिट्टी के ऊपर बनता है, वो बनना था, वो एक्चुअली अपन अपने को बनाना रहता है बारिश होने के बाद, काम कंप्लीट कंप्रेशन होने के बाद बनना रहता है। ठीक है, उसने क्या किया था इन्होंने जी, वो बंड को इन्होंने जल्दी जल्दी से बनवा दिया है हितग्राही ने, है ना, उसमें इंजीनियर जो संबंधित इंजीनियर है मना भी किए थे कि अभी इसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे, जाहिर है इस पर जांच तो होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, अब उसमें हम लोग निर्देशित किए हैं उसको चेक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी के जांच को लेकर के भी लीपा पोती के आरोप लग रहे हैं, ग्रामीणों ने खुद जांच में भी लीपा पोती करने के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? नहीं अभी जांच हुई ही नहीं है, अभी तो मेरे को 3-4 दिन पहले ही बात तो कह रही हूँ कि जांच होने को लेकर के ही लीपापोती हो रही है। नहीं भाई मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, अभी तो जांच चालू ही नहीं हुई है, अभी तो जस्ट संज्ञान में आया है कि 3-4 दिन पहले से ऐसा हुआ है करके, अब जांच हुआ ही नहीं, चालू ही नहीं हुआ है, तो फिर लीपापोती जांच शुरू नहीं हुई। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं यही कह रही हूँ कि जांच होने को लेकर के ही लीपापोती हो रही है, कि जांच होने ही नहीं दी जा रही है, कब होगी जांच, यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी तो संज्ञान में आया है तो बिल्कुल जांच होगी, है ना, जांच होने नहीं दी जा रही है ऐसा कोई बात ही नहीं है मैडम, जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी इसकी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नायक जी, तमाम बातचीत के लिए।